ठीक है, और ये पांचों बच्चे अभी इतने कितने बड़े हैं, बढ़ नहीं रहे, क्या बात है? नहीं बढ़ेंगे, इनको खाद वाद खिलाया कर। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। खुश किस्मत हैं आप कि आपके साथ जहीन आदमी खड़ा हुआ है। ओहो, बहुत जहीन समझते हैं आप अपने आप को। ये मैं जहानत की बात की, कुत्तेपन की बात करनी शुरू कर दी। खैर, आप जो भी हैं, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें। हाँ पूछिए। ये बताइए कि दुल्हन को ब्यूटी पार्लर क्यों लेके जाया जाता है? देखो, हमेशा बुरा सामान अच्छी पैकिंग में जाता है। और ये बताएं कि दूल्हा, उसके जूते क्यों छुपा दिए जाते हैं? जूते छुपाई की रस्म होती क्यों है? रस्म वसम नहीं होती है। फिर ये दूल्हा को अल्टीमेटम दी जाती है, बेटा अब भी वक्त है, नंगे पर भाग लो। अच्छा, बहुत बुरा फंसेगा, वो सुनता नहीं है, फंस जाता है। अच्छा, सहरे के साथ वो मुंह पर रुमाल क्यों रखता है? उसे शर्म आती है? शर्म वरम नहीं आती है। फिर चार चार से वादे किए होते हैं, ये एक से शादी करता, तीन से मुंह छुपा के घूम रहा होता है, वो भी तो वही घूम रही होती तंबू में। सही सही, तो फिर आप मेरे बारे में सोचिए। क्यों, मुझे और कोई काम नहीं है क्या आपके बारे में सोचने का? कोई जरूरत नहीं मुझे आपके बारे में सोचने। आ गया भाई, आ गया, दुनिया का आखिरी मनहूस आ गया। ये क्या हो रहा है यार? फैसल, मेरी बड़ी बचपन से ख्वाहिश है यार। क्या? मैं सोचता मेरा कोई बेटा हो, मुझसे जिद करे, मुझे पैसे दूं, चीज दिलाऊं, खर्चे दूं। अरे मैं हूं ना तुम्हारा बेटा। फर्स्ट करिए, तेरी माँ है तो बीवी भी तो चाहिए मुझे। बच्चे मतलब, तू क्या साइंस की इजाद है, पैदा नहीं होगा क्या? तो ये वाली माँ से नहीं पैदा हुआ। अबे फर्ज करना ऐसे यार, मुझे खर्चा नहीं चाहिए। चाहिए हाँ, तो ये तेरी माँ है। ये माँ है, हम दोनों सो रहे हैं। हाँ? तेरी माँ आके जगाएगी सुबह 7 बजे। हाँ? ठीक है। हाँ? फिर मैं तुझे खर्चे दूंगा, खर्चा पानी सब दूंगा। ठीक है, आ जा। हाँ? ये तू उधर चला जा, इधर हम दोनों सो रहे हैं, जरा बीच में जगह रख, तेरी माँ ने भी आके लेटना है यहाँ पे। चल 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 चलो, माँ उठ गई है, तू सो, खड़े खड़े सोते हैं। सो जैसे हम लोग बस में खड़े खड़े सफर नहीं कर रहे। हाँ हाँ। सोते हुए जा रहे, दगड़ बगड़ दगड़ बगड़। हाँ, हाँ, मैं बेटा हूँ। ठीक है, हम दो, तू बेटा है, मैं बाप हूँ। हाँ। तुमने आके कहना बेटा सुबह के 7 बज गया, काम पे नहीं आना। ठीक है। हाँ। चलो सो जाओ। बेटा सुबह के 7 बज गए, काम पे नहीं जाना क्या? सुबह के 7 बज गए, ये कुत्ते का बच्चा अभी तक सो रहा है। बस यार, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई यार, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी यार। खर्चा दिया ना तुझे, खर्चा पानी, ये बच्चा बनाया, कुत्ते का बच्चा बना दिया। बहरहाल, अब तुम किसी का भी नाम लिखवा लो, बोल दिया तुम्हें। ठीक है, ओके। हाँ। अब तो कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ, तुम बेटा बनो। हाँ। मैं बाप बनूंगा। अच्छा, बाप बनूंगा। जीत है, जीत है, माँ वही है। माँ मतलब अब मेरी माँ है ना। अब मेरी तुम्हारी हो। चल सोते, चलो जी, आके बताना सुबह के 7 बज गए बेटा, तू भी सो रहा, तेरा बाप भी सो रहा, काम पे नहीं आना। हाँ बेटा, सुबह के 7 बज गए, तू भी सो रहा, तेरा बाप भी सो रहा, काम पे नहीं जाना। अबे 7 बज गए, लेट हो गया मैं तो। मैं काम पे से भी आ गया, अब्बा अभी तक घर पे ही मरा था। कमा के नहीं खिलाएगा, मैं ही काम पे जाऊं, सही हो गया ये है? सही हो गया। चल, ये तो तुमने सीख लिया। आ, अब मैं तुझे बीवी पे रोप डालना सिखाता हूँ। रोप डालना सिखा? सीख ले, कल को शादी होगी। हाँ, ठीक है ना। हा? तो बीवी पे रोप डालेगा, कैसे डालेगा? कैसे डालूंगा बताओ? बताता मैं तुझे। हा? बताता हूँ, एक मिनट। चल, मैं तेरी समझ ली, ये तेरी बीवी है। बीवी कौन? ये बीवी है तेरी। मैं तेरी बीवी से बात करूं तो दफ्तर से आया, तूने देख लिया, अब तो गुस्सा होगा। आके गुस्सा होना है, गैरत खाना है, गैरत खाना है। हाँ, ठीक है बेगम। हाँ हाँ, और कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। कब ले रही है पति से तलाक? अबे बेगम, तुम मेरे दोस्त से बात कर रही हो, मुझसे पूछ लेती मैं तुझे कमरे में बिठवा देता। यार तेरी समझ में आएगा, तू खड़ा होकर बात कर, मेरी बीवी से बात कर, देख मैं कैसे आता हूँ। ये क्या बात है खुदा। बेगम तुम उधर जाओ, उस बीवी को उधर ले रहे, तू इधर आ जा। अच्छा, अच्छा। बेगम। और बेगम, तुम इससे बात करी, तुमसे तो मैं बाद में निपटता, कुत्ते के बच्चे। आया आया, समझ में आया? आया, आ गया। आप समझ गया? समझ गया, आप समझ गया बेटा। हाँ, अब मैं आऊंगा, अब बताऊंगा होगा। ये पकड़ियो, क्या नहाने जा रहा है?
अब मैं आ हुआ, अब बताइयो देखो वो कमीनेपन को तरह है आपका नंबर है अब की बार। ये तो पूरी बैठक खराब कर देगा मेरी, देखते हैं। हाँ बेगम, तुझसे तो बात में निपटूंगा, पहले इससे बात कर लू कमीने से, दोस्त से। हाँ शर्म कर, सगे बहन भाई पे शक कर रख। सीख गया? नहीं भाई मैं नहीं। और दूसरा काम सिखाता हूँ। सीख ले, सीख ले। अबे देख रहे हैं वहाँ से। आ जा, सीख ले। आ जा। देगा, इसको कहते हैं बीच में से पंगा हटाने का सही तरीका। चलो उसको तो मैंने निकाल दिया, नहीं रहे दो। ओ चाय पी के आते हैं। चलिए आइए। थैंक यू, थैंक यू।